नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सबसे सरल आसान तरीका बताऊंगा, जिसे अगर पितृ दोष लगा है, किसी भी प्रकार के शत्रु का भय रहता है, भूत पे टोना जादू जैसे औपचारिक क्रिया से परेशान है, तो आज के यह वीडियो पूरे जिंदगी भर काम आएंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को अचूक धन प्राप्ति करने वाला सबसे सरल आसान तरीका भी बताऊंगा। वैसे हर प्राय हिंदू घर में गौ माता अवश्य रखे जाते हैं, गौ माता की हम पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे हिंदुओं में यह मान्यता है कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ यानी कि 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। और जाहिर सी बात है, जिसके शरीर में अगर 33 कोटि देवी देवता निवास करे, अगर उसकी हम पूजा करें, तो पूर्ण रूप से उसके फल हमें प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो एक बार अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। पूरे हर कदम में, पूरे जिंदगी भर कदम कदम में आपको पैसा मिलेंगे, हर प्रकार से आपके तरक्की होंगे। यह वीडियो छोटा सा बनने वाले हैं, अपना 2 से 3 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना। शास्त्रों में ये लिखा गए हैं कि अगर ध्यान दीजिएगा, शास्त्रों में ये लिखा गया कि अगर गाय को रोटी खिला दिया जाए तो कैसा भी भयंकर पितृदोष हो, पितृदोष दूर हो जाते हैं। अगर कुत्ते को रोटी खिला दिया जाए तो शत्रु भय दूर हो जाते हैं। अगर कौवे को रोटी खिला दिया जाए तो पितृ दोष और काल सर्प दोष दूर हो जाते हैं। आप सभी मित्रों को पता है, अगर किसी में काल पर सर्प दोष लगे किसी की कुंडली में, तो निश्चित रूप से वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे उपाय करके आप बहुत सारे तकलीफों से बच सकते हैं। और यह भी कहा जाता है, अगर किसी गरीब या भूखे को रोटी खिला दिया जाए तो आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके हर कदम में मार्गदर्शन करता रहूं, पग पग में आपकी हेल्प करता रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है प्राचीन ज्ञान। हम प्राचीन ज्ञान की जानकारी सिखाते हैं और वही जानकारी बताते हैं जो कि साधारण से साधारण आदमी कर सके, बहुत ही सरल उपाय होते हैं। पहला, गाय को आपको रोटी खिलाना, और गाय को सबसे पहले ही रोटी खिलाना है, जो आप घर में सबसे पहले जो रोटी बना रहे वही रोटी आपको गाय को खिलाना है। और यह उपाय कम से कम आपको एक शनिवार अवश्य करना है, मतलब सप्ताह में एक बार शनिवार के दिन अवश्य करते रहना है, तो गाय को रोटी खिलाना है। दूसरा, अगर काले कलर की कुत्ते मिल जाते हैं तो अगर आप इसे रोटी खिलाते हैं तो इससे भी आपके दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाते हैं। तीसरा, कौवे को अगर आप रोटी खिलाते हैं, वैसे तो कौवे को रोटी खिलाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर कौवे को रोटी खिला देते हैं तो इससे पितृदोष दूर हो जाते हैं, और पितृदोष दूर होने के साथ साथ पितरों की आपके ऊपर कृपा बनने लगती है, जिससे हमें आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होती है, और काल सर्प दोष दूर हो जाते हैं, जिससे दुर्घटनावश जो मृत्यु के कहा जाए काल सर्प दोष के कारण हमारी कुंडली में लगे रहते हैं, वह दोष भी दूर हो जाते हैं। अगर गरीब को भूखे हैं, गरीब को अगर रोटी खिला देते हैं तो इससे उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और हमें धन की भी प्राप्ति होती है। तो ये उपाय अवश्य किया करें, इससे आपकी कदम कदम में तरक्की मिलेंगे, आपके दिन दुगनी रात चौगुनी हो जाएंगे, हर कार्य में आपको सफलता मिलेंगे। अगर ये चारों उपाय कर लेते हैं एक बार भी अपनी जिंदगी में, तो दोस्तों किसी भी प्रकार की आपको नकारात्मक शक्ति छू भी नहीं पाएंगे, भूत प्रेत टोना जादू जैसे चीजों को आप भूल ही जाएंगे, 9 प्रकार की जो नवग्रह की पीड़ा है इसे आप भूल ही जाइए, क्योंकि यह उपाय कर लिए तो पूरे जिंदगी भर आप पैसा में खेलोगे, पूरे हर कदम में भगवान आपके मार्गदर्शन करते रहेंगे, और आप सच्चे इंसान की तरह, एक सच्चे मनुष्य की तरह जीवन यापन करेंगे। तंत्र शास्त्र में बहुत सारे से जड़ी बूटियों का जिक्र मिलता है, जानकारी मिलता है, जिसे प्राप्त हो जाने के बाद कुछ भी हम वरदान प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को करना संभव हो जाते हैं। तो इसी क्रम में मैं आज आप लोगों को बेल पत्र के बारे में बताऊंगा, जिसे हम हिंदी में बिल्व पत्र के नाम से जानते हैं। सावन के महीने में हम भगवान शंकर जी को बेल के पत्ते चढ़ाते हैं, और भगवान शंकर जी को बेल का पत्ते अति प्रिय है। इसे अगर हम प्राप्त करके भगवान शंकर जी को चढ़ाते हैं तो मुंह मांगी इच्छा भी हमें भगवान प्रदान करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें बेल के पत्ते चढ़ाना चाहिए, इसे हमें क्या क्या प्राप्त हो सकते हैं। यह वीडियो अगर आप आधे बीच में छोड़ करके जाते हैं तो पूरी जिंदगी भर पछताएंगे, क्योंकि आज जो जानकारी बता रहा हूं ना, ये पूरे जिंदगी भर काम आएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के मैं आपके हर कदम में मार्गदर्शन करता रहूं, तो आप मेरे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है प्राचीन ज्ञान। हम प्राचीन ज्ञान की जानकारी सिखाते हैं, धर्म से जुड़े हुए, वास्तु से जुड़े हुए जानकारी आप सभी मित्रों को सिखाते हैं। तो ये कहा जाता है कि दर्शनम बिल्व पत्र से स्पर्शनम पाप नाशनम, अर्थात बेल पत्र का दर्शन कर लेने मात्र से पापों का शमन हो जाते हैं।
तो ये हुआ हम तीन पत्ते वाले बेल पत्र जो होते हैं भगवान शिव को अर्पण करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें 4, 5, 6, 7 पत्ते वाले बेल्व पत्र प्राप्त हो जाते हैं। कई लोगों को तो 9 मुख वाले भी यानी कि 9 लेयर वाले बेल्व पत्र प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों तंत्र शास्त्रों में, वास्तु शास्त्रों में और धर्म शास्त्रों में ये कहा जाता है अगर 4, 5, 6, 7 और 9 मुख वाले या 9 लेयर वाले बेल पत्र प्राप्त हो जाते हैं, अगर कोई भी भाग्यशाली को मिल जाते हैं भगवान शिव जी को अर्पण करते हैं तो तुरंत मुंह मांगी इच्छा भगवान हमें प्रदान करते हैं। लेकिन इसका एक तंत्र विधान है, एक कहा जाए तो छोटा सा उपाय करेंगे तब आपको फल प्राप्त होते हैं। बहुत से लोग ये मिल जाने के बाद भगवान को अर्पण करने के बाद इसे पानी में विसर्जित कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर ये आपको कहा जाए भाग्यवश मिल जाते हैं 5 लेयर वाले 6 लेयर वाले 7 लेयर वाले या 9 लेयर वाले इसके पत्ते वाले, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार गिनती का विशेष ध्यान रखना, 108 बार पढ़ करके भगवान शिव को अर्पण करना, मन में प्रार्थना करना। जिस भी आप वर को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस भी फल की आपको इच्छा हो मन में, वह बोल दीजिए भगवान के सामने में, वह इच्छा बिल्कुल ही सप्ताह भर के भीतर में पूर्ण हो जाती है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है, क्योंकि भाग्यशाली लोगों को ही मिल पाते हैं। और एक काम और करना, जिनको अगर 4 लेयर वाले 5 लेयर वाले 7 लेयर वाले बेलपत्र मिल जाते हैं भगवान को अर्पण करने के बाद, इस पत्ते को अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए, पूजा कमरे में रख दीजिए या अपने पर्स में रख दीजिए। जो लोग चाहते हैं, व्यापारी वर्ग है, तो अगर वो सफ़ेद कलर के कपड़े में से बांध करके हमेशा अपने साथ में लेकर के चलते हैं तो हर प्रकार के उन्हें वैभव मिलते हैं, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो जाते हैं। तो इसे गले में रखने से धन की बढ़ोतरी होती है, घर की पूजा कमरे में रखने से साक्षात शिव की कृपा इसमें हो जाती है, मतलब ये आपके घर में धन की बढ़ोतरी को करते हैं और हर प्रकार की आपकी इच्छा को पूरा करते हैं, घर में भूत प्रेत जैसे नकारात्मक शक्ति को आने नहीं देते। तो कभी भी अगर आपको 7 लेयर वाले 5 लेयर वाले या जो भी जो बिलपत्र दुर्लभ मिलना मुश्किल है, अगर वो आपको प्राप्त हो रहे हैं तो सदा आप इसे विसर्जित मत करें, पानी में अपने घर की पूजा कमरे में रख दीजिए या घर के गले में रख दीजिए, सदा ये आपकी रक्षा करेंगे, धन की बढ़ोतरी करते रहेंगे। दोस्तों कोई आदमी मेहनत करके धनवान नहीं बन पाता, तो उनके स्थान पर कोई आदमी बिना मेहनत के अचानक उनके जीवन में कुछ ऐसा चमत्कार हो जाता है कि वह धनवान बन जाते हैं। अगर आप भी जल्द से जल्द अमीर बनने की चाह रखते हैं या आप चाहते हैं कि आपके घर के आसपास में गड़े हुए खजाने हैं वो आपको मिल जाएं, प्राप्त हो जाए, आप कामना करते हैं, तो निश्चित रूप से आज की वीडियो में बताएंगे जो उपाय हैं ये आपको काम आएंगे। इस उपाय को करके जमीन के नीचे दबा हुआ खजाने को आप पा सकते हैं, इन खजाने को अपनी आंखों से देख सकते हैं, बहुत ही सरल आसान विधि बताऊंगा। दोस्तों बांदा शास्त्रों में तंत्र शास्त्रों में बहुत सारे से जानकारी बताए हैं जिनके मदद से जमीन में दबा हुआ खजाने को आप प्राप्त करके अपनी गरीबी को मिटा सकते हैं और ये खजाने बहुत ही आसानी से मिल भी जाते हैं, इसका आप अपने जीवन में उपभोग कर सकते हैं। ये सारे जानकारी बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम आपके हर कदम में मार्गदर्शन करने लगते हैं, पग पग में आपकी सहायता करते हैं। तो दोस्तों बांदा शास्त्रों में अनेक चमत्कारिक बांदा का उल्लेख मिलते हैं। बांदा किसे बोलते हैं? एक ऐसा वृक्ष है, एक ऐसा पेड़ पौधा जो कि स्वयं जमीन में न उकर के दूसरे पेड़ पर उगाते हैं, इसे हम उस वृक्ष का बांदा बोल सकते हैं। जैसे कि पीपल की वृक्ष पर और अन्य पौधे आपने लगे जरूर देखे होंगे, तो इसे हम उस वृक्ष का बांदा पीपल का बांदा बोल सकते हैं। तो पीपल के बांदा जैसे होता है ठीक इसी प्रकार इमली का बांदा होता है। तंत्र शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि इमली के बांदा को, ध्यान दीजिए, इमली के बांदा को मुख में रख करके जमीन में गड़ा हुआ धन को देखने से गड़ा हुआ धन बहुत आसानी से दिखाई देने लगती है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। अंकोल के फल और बिलाई कंद मुख में रखने से जमीन के नीचे दबा हुआ खजाना दिखाई देने लगते हैं, ऐसा हमारे तंत्र शास्त्र में उल्लेख मिलता है। ठीक मित्रों इसी प्रकार सफेद गुंजे की जड़ और अंकोल के तेल को घिस करके आंख में लगाने से जमीन में गड़ा हुआ धन दिखाई देने लगते हैं, लेकिन अंकोल का तेल पताल यंत्र से निकाला होना चाहिए। तो उक्त तीनों प्रयोग को रवि पुष्य नक्षत्र में करना होता है, रविवार के दिन रवि पुष्य नक्षत्र हो तब करना चाहिए, तब यह गड़ा हुआ खजाना आप देख पाएंगे, अन्यथा नहीं। इन खजाने को आप प्राप्त करके अपनी गरीबी को भी मिटा सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अन्य आपको इसी प्रकार के और भी प्रयोग मिलती रहें तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। दोस्तों वनस्पति शास्त्रों और बांदा तंत्र में बहुत सारे पेड़ पौधा का वर्णन मिलते हैं जिसमें स्वयं लक्ष्मी विराजित रहती हैं।
इन पेड़ पौधे को प्राप्त करके कोई भी इंसान मालामाल बन सकते हैं। इन पेड़ पौधे को अपने घर पे लगा करके मालामाल बन सकते हैं। दोस्तों वनस्पति शास्त्रों में और वास्तु शास्त्रों में यहाँ तक यह भी कह दिया है कि ये पेड़ पौधे अगर भिखारी के घर में लगा दिया जाए तो भिखारी व्यक्ति भी साल भर के भीतर में धन वैभव से संपन्न होकर के दूसरे भिखारी को दान देने में समर्थवान बन जाते हैं। तो यह वृक्ष अपने घर में अवश्य लगाएं। इस वृक्ष को लगाते ही आप धन्य धन से संपन्न हो जाएंगे, गाड़ी बंगला रुपया पैसा सब खींचे चले आएंगे। तो इस वृक्ष को लगाने से आपके घर की दरिद्रता समाप्त हो जाती है। वृक्ष के नाम बताने से पहले, किस प्रकार से लगाना है, कौन सी दिशा में लगाना है, ये सब जानकारी बताने से पहले, अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम आपके हर कदम में मार्गदर्शन करने लगते हैं, आपके पग पग में हम हेल्प करने लगते हैं। जो मैं आप लोगों को पौधा लगाने के लिए बता रहा हूं दोस्तों, यह वृक्ष मोर पंखी का है। जी हां मित्रों, यह वृक्ष मोर पंखी का है। मोर पंखी के पौधा को धन खींचने का चाबी तंत्र शास्त्रों में बताया है, लेकिन इसके बारे में आप सभी को पता नहीं होता, इसलिए दोस्तों मैं जानकारी आप सभी मित्रों को फ्री में सिखा रहा हूँ। तो मित्रों यह वृक्ष मोर पंखी का है। मोर पंखी का पौधा जहाँ भी लगा होता है धन स्वयं चुंबक की तरह खींचे चले जाते। आपने बड़े जो धनवान लोग हुए हैं उनके घर में अवश्य ये पौधा लगे हुए जरूर देखे होंगे, इसे घर के सामने में लगाए जाते हैं। लेकिन मित्रों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस वृक्ष के लगाते कदम कदम पे आपको पैसा मिलना शुरू हो जाते हैं। और ध्यान रहे, मोर पंखी के पौधा को अगर आप गमला में लगाते हैं तो इसे पूर्व दिशा में लगाना चाहिए और उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। और ध्यान रहे, भूल करके इसे दक्षिण दिशा में नहीं लगाना, अन्यथा दरिद्रता भी लाती है। इसके पत्ते को सूखने नहीं देना है। तंत्र शास्त्र में, वास्तु शास्त्र में ये बताया गया है कि इसके पत्ते जितना ज़्यादा हरा होगा उतना ही ज़्यादा ये धन खींचने का काम करेंगे, धन आकर्षित करता है। इसके पौधे को हमेशा जोड़े के रूप में लगाना चाहिए, सिंगल नहीं लगाना है। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्द आप धनवान बन जाएं तो इसके पौधे को हमेशा जोड़े के रूप में लगाना, सिंगल नहीं लगाना, तब आपको लाभ मिलेंगे। और इसके पत्ते को सूखने से बचाना, अन्यथा धन की हानि भी हो सकती है। तो आप भी इस पौधे को अपने घर में लगा करके अपने सोही किस्मत को बदल सकते हैं, धन्य धन से संपन्न बन सकते हैं। तो आज की करिए पर समाप्त करते हैं। वीडियो थोड़े भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को अपने दोस्तों यारों में, परिवार वालों में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में आगे जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल पाए, वह भी इस वीडियो को देख करके अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम।